नमस्कार दोस्तों, एक और नई फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूं जहां मैंने एक्सप्लेन किया है फ्राइडे का बेस्ट एवर प्रेडिक्शन फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अच्छा, अगर मैं कल वाली वीडियो की बात करूं ना, लिटरली यू वॉन्ट बिलीव इट, एक एक शब्द एक एक अल्फाज मेरे सही साबित हुए हैं। मैंने बोला था बैंक निफ्टी 43,350 के ऊपर बाय करके चलना, डिट्टो वही हुआ, हाई लगाया। एक मैंने एक शब्द बोला था, किस किस को ध्यान है बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने बोला था 43,500 को ऊपर अगर सस्टेन कर गया ना, लिटरली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, डिट्टो वही हुआ। मैंने यूट्यूब पे 43,000 एंड 43,100 का कॉल ऑप्शन दिया था, दोनों ने जैकपॉट रिटर्न दिया है। नाउ इस वीडियो में भी आपको मिलेगा कल के लिए दो शानदार जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड जो कि आपको कल शानदार पैसा बनाकर देने वाले हैं, और बैंक निफ्टी अब रेडी हो चुका है बड़े ब्लास्ट पे, रेडी हो जाओ। ठीक है, वीडियो जो नहीं देखेगा उसको लॉस होगा, तो पूरा प्रॉपर वीडियो देखिएगा। इसी के साथ दो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। ट्रेडर्स देखो, आज भी एक्सपायरी मैंने आप लोगों की वन ऑफ दी बेस्ट मनवाई है। ठीक है, इतना सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसके बदले मेरे को देखो ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे को चाहिए वीडियो पे लाइक और कमेंट। जी हां, आप लोग बस वीडियो देख के निकल लेते हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। इस वीडियो पे मेरे को चाहिए 1000 कमेंट्स और 10,000 लाइक, इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं YouTube पे लाइव गया था, पैसा बनवाया 3 ट्रेड देके, तो क्यों नहीं लाइक और कमेंट कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो US का फ्यूचर्स है वो लगभग 100 रुपए के आसपास नेगेटिव है। ठीक है, प्लस 43,500 के पुट पे लगभग 60,000 के आसपास राइटर हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लगभग 64,000 और 55,000 और ऐड हुए हैं, OI ऐड हुआ है। दैट मींस एक हैवी सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बाकी ये वाली मेरी वीडियो एक एक अल्फाज एक एक शब्द सही साबित हुए। मैंने बोला भैया बैंक निफ्टी को बाय करके चलना है। ठीक है, मैंने बोला था शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, किसके ऊपर, 43,500 के ऊपर, डिट्टो वही हुआ। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, अब सुनो कल के लिए। पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा दूं। देखो, बैंक निफ्टी में एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न फॉलो होते हुए आ रहा है, और जो मेरे को लिटरली फॉलो करता है, हेटर नहीं, क्योंकि हेटर लोग अभी भी हेट करेंगे, मेरे को परवाह भी नहीं है, भाड़ में जाओ पहली बात। ठीक है, जो लोग मेरे को लिटरली प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो लोग मेरे को लिटरली फॉलो करते हैं, मैं हमेशा हर बार लगातार पूरे हर एक महीने से बोल रहा हूं, मार्केट बाय ऑन डिप है। ठीक है, बाय करके चलना, एक कॉन्ट्रिब्यूशन पैटर्न में चल रहा है। कौन से कॉन्ट्रिब्यूशन पैटर्न में चल रहा है मैं बता रहा हूं। देखो, ये रेंज बनाता है, ऊपर जाता है, रेंज बनाता है, ऊपर गया, रेंज बनाया था, अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो सिंपल, अब सुनो, अब कल के लिए दो प्रकार से बाय करके चलना, एक तो फ्रेश और एक बाय ऑन डिप। फ्रेश बाय कैसे करके चलोगे, सुनो ध्यान से। तो एक तो जो 500 का जो इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ था ना, आज टूट चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट तगड़ा दिया है, 200 पॉइंट का रैली दे दिया है। उसके बाद अच्छी बात ये हुई है कि भाई ऊपर से लगभग 100 पॉइंट के आसपास गिर गया है। तो कल के लिए अगर हमको फ्रेश बाय करके चलना है, तो वी हैव टू वेट फॉर कंसोलिडेशन लाइक दिस। कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई टूटता है, यानी 43,740 के ऊपर अगर हाई टूटता है, सस्टेन रहता है, बाय करके चलेंगे। टारगेट होगा 43,800, सेकंड टारगेट 43,850 एंड 43,900, ये तीन है। क्लियर है? देखो, ध्यान रखना, बिना कंसोलिडेशन के बाय मत करना। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन से पता क्या होगा, क्रिएट एक्युमुलेशन। ठीक है, अगर बिना कंसोलिडेशन के भाग गया ना, तो भाई बायर को फंसा देगा। समझो मेरी बात को, लिख लो एक, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये है, कंसोलिडेशन होगा तभी बाय करके चलना है। देखो, नॉर्मली बैंक निफ्टी कैसे ट्रैप करता है लोगों को। ठीक है, स्टार्टिंग में ऊपर जाएगा, आप लोग रिटेल ट्रेडर बाय कर लेंगे, फिर रिट्रेसमेंट कर देगा, फिर रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट के बाद आप उस टाइम पर निकल गए होंगे आप। ठीक है, दुखी में और SL लेके, राइट ना। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग 43,600 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। किसके ऊपर पता है? 340 के ऊपर। ठीक है, ये 43,600 का CE, कौन सा एक्सपायरी होगा? 11th मई वाला एक्सपायरी होगा, एंड 340 के ऊपर SL लगाना आप 320 का। टारगेट होगा आपका 380, 390 एंड 420, ये तीन टारगेट हैं। करेक्ट है, पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब सुनो दूसरा, अगर किसी वजह से बस एक चीज बनाओ कि भैया US मार्केट की वजह से अगर बस बैंक निफ्टी का डाउन हो गया ना, गैप डाउन खुल गया, पहला अगर गैप डाउन खुल गया, दूसरा अगर फॉल आ गया, ठीक है, या तो गिरावट आ गया, ठीक है ना। इस केस में सपोर्ट कहां है सुनो, पहला सपोर्ट है
43,600 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 43,530 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, यहां पे आता है बुलिश हैमर बनाता है लाइक दिस, जैसे बुलिश हैमर का हाई टूटता है वी कैन गो फॉर द बाय। टारगेट क्या होगा 43,750 एंड 43,850। क्लियर है? अच्छा अब सुनिए, इस केस में आप लोग कहां बाय, क्या कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको प्रीमियम आज आपको पता है आज बहुत ही शानदार रहा हमारा ट्रेड दिन प्रीमियम ग्रुप पे। ठीक है, आज मैंने बहुत सारे ट्रेड दिए, अगर आपको प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है सिंपल प्रोसेस है, आपको हमारे लिंक के थ्रू सच एस एंजल बुकिंग अलाइज ब्लू दोनों में से किसी एक अकाउंट ओपन करिए, फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए और हमको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम आपको देन ऐड कर लेंगे प्रीमियम ग्रुप में। सो सिंपल है, स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, राइट? चलो तो दोनों कंडीशन मैंने बता दिए हैं, मैं अभी सेलिंग में नहीं हूं। ठीक है, जब सेलिंग अगर मार्केट में होगी तो वो पता किसके नीचे होगी, 500 के नीचे, यार वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, वो छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं बता दूंगा। ठीक है, 500 के ऊपर क्यों, 500 के नीचे क्यों होगी, क्योंकि ये जो हायर हाई हायर लो का जो कॉन्सेप्ट बना रहा है ना, अगर ये टूट जाएगा तो वी कैन गो फॉर शॉर्ट सेल। और ध्यान रखना नए वाले चैनल पे लर्न विद पीटीएस पे बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस आने वाला है। ठीक है, कल भाई जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, सामने दिख रहा है, और ध्यान रखो वन डे के चार्ट पे दिखा दूं मैं क्या हुआ है, दो दिन का जो कंसोलिडेशन था ब्रेकआउट दे चुका है, यानी अब तगड़ी रैली आने वाली है, लिख लो कमर कस लो, निफ्टी देखो क्या है। अच्छा वैसे भी कल फ्राइडे है तो थोड़ा संभल के काम करिएगा, बड़े बड़े पॉइंट्स के टारगेट मत रखिएगा क्योंकि फ्राइडे को नॉर्मली प्रीमियम डीके होता है। हाय गाइस, अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने में परेशानी होती है, आप राइट एंट्री नहीं ले पाते, राइट एग्जिट नहीं ले पाते हैं, डर लगता है, बैक टेस्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, पेपर ट्रेडिंग बहुत बढ़िया करते हैं, बट आप जैसे ही आप रियल सौदा लेते हैं, जब आप रियल ट्रेड लेते हैं आपको हमेशा लॉस ही होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हमारा बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग एंड मेंटरशिप बैच हम लेके आए हैं, जिसका क्लास कल से शुरू होने जा रहा है, कल दैट मींस 5th of May से। ट्रेडर्स, इसमें आप लोग मेरे साथ पूरा 1 month तक लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मैं जो भी सौदा लूंगा आप लोगों को मेरे साथ ट्रेड लेना है, जहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा वहां पे आप लोगों को साथ में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। डेली हम रेगुलर 1.5 घंटा लाइव आएंगे, लाइव प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकल जाएंगे। सो सिंपल, बहुत मजा आने वाला है इस बैच में, और हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग कमा भी सकें और बहुत सारा लर्निंग भी ले सकें। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, परचेस लिंक मैंने नीचे दे दिया है, प्राइस कितना जानना चाहोगे, प्राइस 4500 है, ये केवल मैं 3 से 4 दिन में 101% रिकवर करवा दूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने हमारा बैच परचेस किया है क्या बोलते हैं देखना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। चलिए बाकी मैं आपको मिलता हूं क्लास में, और इतना गारंटी दे रहा हूं ये मेंटरशिप बैच आपके बैंक निफ्टी के लॉसेस को कवर कर देगा फॉर श्योर। ठीक है, मतलब ये आई ओपनर होने वाला है फॉर यू। चलिए थैंक यू, कल मिलता हूं, बाय बाय। देखो निफ्टी का क्या है, निफ्टी भी ब्रेकआउट कर चुका है, निफ्टी ने भी सारे टारगेट हिट किए हैं। ठीक है, मैंने बोला था निफ्टी को 18,180 के ऊपर फ्रेश बाय करके चलना, डेटो वही हुआ, तो कल के लिए निफ्टी भी हमारा अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है कितने के ऊपर, सुनो ध्यान से, 18,270। ठीक है, इसके ऊपर लाइक दिस, तो 18,270 के ऊपर बाय करके चलेंगे फ्रेश, 18,350 एंड 18,390 सेकंड टारगेट, गॉट इट? और सुनो ध्यान से, अब अगर डिप देखने को मिलता है, डिप अराउंड, देखो पहला डिप है 18,200, ठीक है, 18,200, और सेकेंड डिप हमारा 18,170 कह लो। ठीक है, यहां पे अगर आता है गैप डाउन होता है, मतलब किसी भी रीजन से बुलिश हमर देखेंगे, हाई टूटेगा, बाय करके चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा यही हमारा बाय ऑन डिप का ही हमारा व्यू है। और निफ्टी में एक चीज और खास है, पता है क्या खास है, मैं लेट मी शो यू फर्स्ट, राइट? निफ्टी का देखो ये जो था ना जोन भैया, ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब अब समझ लो यहाँ पे रेंज बना के अगर ऊपर, मतलब बस हल्का फुल्का अगर और सस्टेन हो गया ना, तो निफ्टी आप देखना रैली भरते हुए मिलेगा। ठीक है, आज पता है, आज मैं यूट्यूब पे लाइव गया था और मैंने 3 ट्रेड लिए थे 43,100 का कॉल ऑप्शन, मैंने 3 बार लिया था भाई, लिटरली बता रहा हूं, तीनों दफा हमको शानदार प्रॉफिट हुआ, नहीं भरोसा, मैं लर्न विद पीटीएस पे लाइव जाता हूं। ठीक है, आज गया था, जाके देखो एक बार यार, लोग लिटरली खुश हो गए,
राइट, मजा आ गया भाई। अच्छा पीटीएस ऐप और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे माय गॉड आज ना तीन ट्रेड दिए, तीनों में शानदार पैसा बना। मैंने 43,000 का कॉल ऑप्शन दिया, 60 लगभग 50 से 60 पॉइंट देखने को मिले, 43,800 का पुट दिया ठीक है, 50 से 52 पॉइंट देखने को मिले, और लास्ट में 43,100 का कॉल ऑप्शन दिया जिसमें 50 से 55 पॉइंट देखने को मिले। शानदार रहा टोटल रिटर्न 160 पॉइंट के ऊपर का भाई। पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे फ्री में देता हूं मैं, बाकी जगह जाके देखना भैया पैसे लगते हैं राइट। तो बस सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो ठीक है। मैं ये देखता हूं हल्का फुल्का, अगर लॉस होता है ना किसी दिन, लोग आ जाते हैं, जो लोग कमेंट नहीं भी करते हैं वो लोग कमेंट करने लग जाते हैं, भाई लॉस करवा दिया। अरे यार फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी कोई कदर ही नहीं है बताओ। तो प्लीज यार सपोर्ट करो ना यार, सपोर्ट करो ठीक है, और देखो क्या से क्या मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं। और पता है, और लाइव मेंटरशिप बैच पे मैंने केवल आज एक ट्रेड दिया ठीक है, 43,100 का कॉल ऑप्शन, 40 से 50 पॉइंट हमको देखने को मिला था, वन ऑफ दी बेस्ट रहा आज का मेंटरशिप बैच। अच्छा कल ट्रेडर्स क्लास स्टार्ट है 11:30 पे, ज्वाइन कर लेना ठीक है ना, सीट्स लिमिटेड है। चलो कल भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड देने वाला हूँ पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे। भाई टेलीग्राम पे 1,48,800 सब्सक्राइबर है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पीटीएस ऐप भी डाउनलोड कर लो जल्द से जल्द ठीक है ना। चलो भाई दो स्टॉक्स हैं, पहला स्टॉक है एशियन पेंट, बाय करके चलेंगे 29.90 के ऊपर, 29.90 के ऊपर फ्रेश बाय एफपी राइट, और एल्स यू कैन बाय ऑन डिप अराउंड 29.50 ठीक है, और जिंदल स्टील को बाय करके चलेंगे, क्यों रीजन जान लो रीजन। ये देखो ये है हमारा रेंज कप विद हैंडल, कह सकते हो कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अबव 600 के ऊपर, क्योंकि भैया 600 क्या है साइकोलॉजिकल लेवल, फ्रेश बाय, और एल्स यू कैन डू वन थिंग 595 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं ठीक है, ये है हमारा। चलो सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड, अच्छा लाइक करते रहना प्लीज ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता हूं देता हूं, और सटीक जा रही है एनालिसिस ठीक है, टंके के चोट पे बोल रहा हूं ये मैं। एक चीज पढ़े के चक्कर में कोई नहीं है पीटीएस फैमिली के टक्कर में ठीक है। चलो तो मैंने क्या बताया आपको, अगर बैंक निफ्टी डिप दिखाता है करीबन कहां तक 43,600 या 530 के आसपास, इन दैट केस यू कैन टेक मैं बता दूंगा आपको 43,700 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो, 11th ऑफ मई वाली एक्सपायरी 240-230 में मिल जाएगा, एसएल लगाना जी 220 का टारगेट होगा 270-280 एंड 310, दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी कल मिलता हूँ। कल ध्यान रखना पैसा बचा के चलना, कल फ्राइडे है, जो प्रॉफिट जो पूरा कमाया इस वीक में कल बचा के चलना, दिस इज द मेन मोटो ठीक है। थैंक यू, कल मिलता हूँ, बाय, जय हिंद।